तो चलिए आपको हमने दिखाई खबरें रफ्तार से, अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से और बात कर लेते हैं कृषि कानूनों की वापसी के बाद पंजाब के कुछ किसान नेता चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। सवाल यह है कि किसान नेताओं का चुनाव में उतरना किसको फायदा पहुंचाएगा? पंजाब की लड़ाई में गद्दी बचानी है चरणजीत सिंह चन्नी को, चुनौती दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस चाह रहे हैं अकाली। इन तीनों दलों ने किसानों के मुद्दे को उठा रखा है, लेकिन राजनीति की इस तिकड़म में क्या खेल हो जाएगा कौन जानता है। जैसे कांग्रेस से टूटकर अलग हुए अमरिंदर अपना अलग मोर्चा बना रहे हैं, अमरिंदर के लिए किसान मुद्दा अहम है। खेल ये है कि अब किसान नेता खुद ही चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। किसान नेता कुलवंत सिंह संधु उन किसान नेताओं में शामिल हैं जो घर वापसी की जल्दी में हैं, क्योंकि लौटकर उन्हें राजनीति में उतरना है। किसान संगठन भी कोई राजनीतिक दल या फ्रंट बना सकते हैं आने वाले दिन? बना सकते हैं, मगर जहां खत्म करने के बाद सोचेंगे, अभी नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा हमेशा चुनाव लड़ने की बात को खारिज करता था, लेकिन हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहले ही चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं। पर अब कुलवंत संधू के बयान से साफ है कि किसान नेता अपनी पार्टी बनाकर भी मैदान में उतर सकते हैं। पंजाब के 32 किसान संगठनों में वामपंथी दल भी शामिल हैं, जिनका पहले ही राजनीतिक दल है। जैसे सीपीएम का संगठन किसान सभा है, वहीं किसान नेताओं को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का न्योता मिल चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि किसान संगठन अपना मोर्चा बनाकर उतरेंगे या किसान नेता किसी पार्टी का झंडा थाम कर उतरेंगे। वैसे किसान संगठनों ने पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा तो बाकी दलों के लिए मुसीबत हो जाएगी। पांचवी ताकत के तौर पर किसान संगठनों के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। सवाल है कि बीजेपी को हराने के नाम किसान संगठन उतरे और किसान वोट बटे तो क्या उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? संवाददाता जैनेन्द्र की रिपोर्ट। वहीं भारत के सुरक्षा बेड़े में एक नया रखवाला शामिल हुआ है। जमीन हो या पानी, इसका कोई नहीं है सानी। इसी नायाब जंगी सामान को और करीब से देखने समझने के लिए हमारे संवाददाता नीरज राजपूत दिल्ली से 1250 किलोमीटर का सफर तय करके गुजरात के सरक्रीक इलाके में पहुंचे। देखिए नीरज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये समंदर में फर्राटे से दौड़ती है, रेतीले किनारों पर भाग सकती है, दलदल में भी चल सकती है, दुश्मनों पर शोले भी बरसा सकती है। ये है इंडियन कोस्ट गार्ड यानी तटरक्षक की होवरक्राफ्ट। पानी और जमीन पर हवा से बातें करने वाली इस होवरक्राफ्ट को पाकिस्तान से सटे दलदल वाले सर क्रीक एरिया की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। इसी होवरक्राफ्ट के ऑपरेशन की खास कवरेज के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची देश के सबसे पश्चिमी मुहाने पर बने जखाओ पोर्ट। गुजरात के इस बंदरगाह पर तैनात है कोस्ट गार्ड की होवरक्राफ्ट, जिसके जरिए एबीपी न्यूज की टीम को पहुंचना था पाकिस्तानी सीमा से सटे बेहद ही संवेदनशील और दुर्गम इलाके सर क्रीक में। जखाऊ भारत का सबसे आखिरी पोर्ट है, बंदरगाह है, पश्चिमी छोर है जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है। ये IMBL इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, पाकिस्तान हमारे पास इधर की तरफ बाईं तरफ है जो पाकिस्तान की सीमा, और यहीं से बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान की बोट्स हैं वो आती हैं यहाँ पर, IMBL पर आती हैं, फिशिंग करने के लिए आती है। लेकिन उसकी आड़ में कौन सी बोट संदिग्ध हो सकती है, उसके लिए ही जो कोस्ट गार्ड है वो यहाँ पर तैनात रहती है। आखिरकार ये होवरक्राफ्ट है क्या और कैसे समंदर और जमीन पर ऑपरेशन करती है, ये जानने से पहले थोड़ा सर क्रीक और पाकिस्तान से सटी IMBL यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के बारे में जान लेते हैं। सर क्रीक एरिया गुजरात के रण ऑफ कच्छ का हिस्सा है और पाकिस्तान से सटा है, क्योंकि यहाँ नदी का डेल्टा है यानी सर क्रीक की नदी अरब सागर में मिलती है। ऐसे में यहाँ दलदल वाले छोटे छोटे द्वीप बन गए हैं। सर क्रीक के एक बड़े हिस्से की सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है, लेकिन समंदर से सटे सर क्रीक एरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल की है। इस वक्त हम पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए सर क्रीक के एरिया से निकल रहे हैं, जो दलदल वाले आइलैंड्स हैं वहाँ से निकल रहे हैं, और वहाँ पर जो आइलैंड्स बन जाते हैं और जंगल भी हैं वहाँ पर, और ऐसे में बड़ा
ये संवेदनशील इलाका हो जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड है, भारतीय तटरक्षक बल है, उसने खास तौर के जो अपनी बोट्स हैं जिनको होवरक्राफ्ट कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि होवरक्राफ्ट जो है वो समंदर में तो चल सकते ही हैं, समंदर में जो सुरक्षा कर सकती है, उसके अलावा इस तरह के आइलैंड्स पे ज़मीन पे भी जाकर वो जो है जा सकते हैं वहाँ पे, और जो नौसैनिक जिनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा करना वो आराम से जा सकते हैं। सर क्रीक एरिया की सुरक्षा के लिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान की नज़र इस इलाके पर लगी रहती है। सर क्रीक एरिया को पाकिस्तान अपना बताता है। पाकिस्तान जानता है कि युद्ध करके वो इस इलाके को भारत से नहीं जीत सकता, ऐसे में प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध के जरिए वो भारत को परेशान करना चाहता है। सर क्रीक की सुरक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीरान इलाका है, यहाँ इंसानों की आबादी ना के बराबर है। हमारे शिप्स की लेयर्ड अप्रोच रहती है, लेकिन एक टाइम पे आके जहाँ पे डेप्थ काफ़ी कम होता है पानी का, तो वहाँ से आगे हम लोग नहीं जा पाते हैं शिप्स में, तो उस एरिया के लिए होवरक्राफ्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्यू टू इट्स डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज इट कैन गो टू मार्सी लैंड एज आई हैव टोल्ड यू, सो दीज आर द कैपेबिलिटीज, द फास्ट स्पीड एंड रेडी फॉर द ऑपरेशन विद इन 10 to 15 minutes, इस कैपेबिलिटीज की वजह से इस एरिया में होवरक्राफ्ट ऑपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी बोट्स के जरिए ही समंदर के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे, उसके बाद से तो कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान से पैदा होने वाले खतरे कम नहीं हुए हैं। खुफिया रिपोर्ट्स लगातार कोस्ट गार्ड और बीएसएफ को संदिग्ध लोगों की घुसपैठ के बारे में अलर्ट करते हैं। कई बार इस इलाके में पाकिस्तान की खाली बोट्स संदिग्ध हालात में मिली है। पाकिस्तान की संदिग्ध बोट लगातार इन इलाकों में देखी जा सकती है। पाकिस्तान की तरफ से नार्को टेररिज्म शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तानी बोट्स ड्रग्स की खेप लेकर यहीं से निकलती हैं। पिछले 2 सालों से कोस्ट गार्ड ने करीब 15,000 करोड़ की नार्कोटिक्स ड्रग की खेप अरब सागर में जब्त की है। पकड़ी गई लगभग सभी खेप पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मकरान तट से ही बोट्स के जरिए भारत से सटे अरब सागर पहुंची थी। इनमें से ज्यादातर खेप भारत, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों के लिए स्मगल की जा रही थी। हथियार की तस्करी की खबरें भी इसी इलाके से आती रहती हैं। सर क्रीक एरिया और यू कैन से के क्रीक एरिया जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो यहाँ पे काफ़ी रिच फिशिंग रिसोर्सेज हैं डेफिनेटली, क्योंकि पूरी की पूरी यू कैन से दी ऑल द क्रीक एरिया एंड ऑल द पोरस क्रीक लाइन, तो यहाँ पे ऑपरेशन करना एक तरह से डिफिकल्ट तो है, बट वी हैव बीन मेंटेनिंग इट थ्रू आउट डे एंड नाइट। सर क्रीक एरिया की संवेदनशीलता को देखते हुए ही एबीपी न्यूज की टीम भारतीय तटरक्षक बल के साथ होवरक्राफ्ट से यहां पहुंची। देश के सबसे पश्चिमी बंदरगाह जखाओ से हम होवरक्राफ्ट के जरिए वहां पहुंचे। होवरक्राफ्ट जिसे ACV यानी एयर कुशन व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है, एक एम्फीबियन बोट है। देखने में ये प्लेन की तरह होती है जिसके 2 पंखे बोट के ऊपर लगे होते हैं। समंदर में ये बेहद तेजी से दौड़ती है। गुजरात के जखाओ पोर्ट से बेहद करीब अरब सागर में होवरक्राफ्ट पेट्रोलिंग करती रहती है। जो ACV है, होवरक्राफ्ट है, वो यहाँ पर लाइव फायर पावर डेमोंस्ट्रेशन दिखा रहा है कि किस तरह से जो होवरक्राफ्ट से अगर कोई सस्पिशियस बोट आती है, उसकी नज़र में आती है, उसकी जद में आती है, तो उस पर किस तरह से फायरिंग कर सकता है, क्योंकि इस होवरक्राफ्ट पर भी HMG यानी कि हैवी मशीन गन लगी हुई है, और हैवी मशीन गन से आप फायर कर सकते हैं किसी भी बोट पर जो कि संदिग्ध बोट होती है, जो अगर वो हमारी सीमा में आने की कोशिश करती है। होवरक्राफ्ट में 8 से 10 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें भी किसी एयरक्राफ्ट यानी विमान की तरह एक कॉकपिट होता है। कॉकपिट में कैप्टन के साथ एक सह कप्तान भी बैठ सकता है। जितनी तेजी से समंदर में दौड़ रही थी उतनी ही तेजी से ये समंदर के किनारे पर दौड़ रही थी। इंडियन कोस्ट गार्ड के पास फिलहाल 18 ऐसे होवरक्राफ्ट है और 12 अन्य को लेने की तैयारी चल रही है। होवरक्राफ्ट में जो कमांडोज भी तैनात होते हैं, जो अपने हथियारों के साथ होते हैं, और ये आइलैंड की सुरक्षा इस तरह से ही करते हैं, जैसे अगर उनके कोई जानकारी मिलती है, कोई संदिग्ध जानकारी मिलती है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति इस आइलैंड में आया है या फिर कोई गतिविधि हो रही है, तो उसके लिए ये अपने हथियारों के साथ यहाँ पर उतर आते हैं। होवरक्राफ्ट में तैनात कमांडोज किसी भी हालात से मुकाबला करने के लिए तैनात रहते हैं। होवरक्राफ्ट में लगी हैवी मशीन गन यानी HMG हो या फिर आधुनिक राइफल से लैस कमांडोज दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। होवरक्राफ्ट में लगी HMG गन से कमांडोज ने समंदर में फायरिंग की ड्रिल की और दिखाया कि अगर कोई संदिग्ध बोट चेतावनी के बाद
तो उस पर कैसे काबू किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही मैदान में उतर गए। कोरोना पर शिवराज की जागरूकता वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लोगों की जिंदगी बचाने सड़क पर उतरे सीएम। जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। लोगों को मास्क पहनाते दिखे सीएम शिवराज। लोगों को मास्क पहनाने और कोरोना पर जागरूक करते ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस वक्त कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया में दहशत है। भारत भी नई लड़ाई की तैयारी में जुटा है। इसे देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जागरूकता फैलाने के लिए रोको टोको अभियान की शुरुआत की है। इसी कार्यक्रम के तहत शिवराज मध्य प्रदेश के सीहोर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सलकनपुर देवी धाम पर रोको टोको अभियान के तहत वहां के दुकानदारों को मास्क लगाकर कोरोना के खिलाफ जागरूक किया, सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। सर, मैं अपील करता हूं कि सेकंड डोज जरूर लगवा लें, दूसरा टीका जरूर लगवा लें। ये टीका ही कोरोना की तीसरी लहर से बचने का उपाय है हमारे पास। मेरी सभी से अपील है, ये पुण्य का काम है, पवित्र काम है। हम, हमारा परिवार और हमारे गांव में कोई भी बिना टीके के ना लगे, ये जवाबदारी हमारी है। तो चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं बिहार में अंधा बनाने वाले ऑपरेशन की। बिहार में अंधा बनाने वाला मोतियाबिंद के ऑपरेशन से आंख जाने के मामले में हंगामा मच गया है। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल को सील करने पर मजबूर हुआ, लेकिन सवाल है कि लोगों की रोशनी छीनने वाले डॉक्टर पर एक्शन कब होगा। बोला है कि जो इनका आंख अब निकालने वाला हो गया, आंख किसी काम का नहीं है। हम लोग बार बार पूछे जो क्या कहे, तो कहे जो नहीं ठीक हो जाएगा, दवा देकर रात में हम लोग को ले आए। बोले हैं कि यहाँ पर से चल जाइए, बोलो आप लोग से कि कुछ कुछ पैसा दे देंगे, आप लोग से जाइए, बोले दवाई हुआ हो गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में इन गरीबों को इलाज के नाम पर ऐसा जख्म दिया गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ आए हुए हैं आंख दिखाने के लिए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमने कराया था जो सक्सेस नहीं हुआ। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है जो आंख निकलवा देने में फायदा नहीं, तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, इसलिए इसको जल्द से जल्द आंख निकलवा देने में ही फायदा है। जिस डॉक्टर को लोग भगवान समझते हैं, उसी डॉक्टर ने इनकी आंखों की रोशनी छीन ली। को क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर से चल जाइए, बोलो आप लोग से कि कुछ कुछ पैसा दे देंगे, आप लोग से जाइए, बोलो दवाई का हो गया है। पैसा देने का बात कर रहा है? काहे के लिए पैसा देने का बात? बोलो दवाई वाई के फल फूल खिलाने के लिए। क्या हुआ था आपके पेशेंट को? बोलो आँख के ऑपरेशन हुआ है, बोलो वो आँख काम नहीं हुआ है, तो बोलो ऑपरेशन हो गया है ना, तो बोलो पैसा दे देंगे आप लोग से, कल ले चल जाइएगा, गाड़ी हम कर देंगे। एक दो नहीं 27 लोग देखने के काबिल नहीं रहे, 15 लोगों की तो आंखें निकालनी पड़ी। बोले कि नहीं आंख निकालना होगा, इंस्पेक्शन हो गया इसे, तो वे काल आंख निकाल दी। ये सभी लोग पिछले महीने 22 तारीख को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। अस्पताल ने मोटी फीस वसूल कर आंखों के ठीक होने का भरोसा दिया, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही दिन बाद आंखों की रोशनी जाने लगी, इन्फेक्शन हो गया। घबराए लोग जब अस्पताल में जाकर शिकायत करने लगे तो इनको डरा धमका कर वापस भेज दिया गया। हम यहाँ पर आए हुए हैं, 22 तारीख को आंख का ऑपरेशन करवाए थे, रात में माथा में तेज दर्द हुआ, उसके बाद इंजेक्शन लगाया, मंगलवार को नाम 23 तारीख का नाम काट लिया गया। वहाँ जाने के बाद नींद नहीं हुआ, दर्द हुआ, फिर बुधवार को हम लोग आए थे, ये लोग बहला फुसला कर हम लोग को पटना ले गए। पटना ले जाने के बाद डॉक्टर से अकेले में मिल ले, साथ में उमा शंकर जी हॉस्पिटल के स्टाफ गए हुए थे। हम लोग बार बार पूछे जो क्या कहे, तो कहे जो नहीं ठीक हो जाएगा, दवाई देकर रात में हम लोग को ले आए, उसके बाद दवाई चलता रहा। आज आए हैं फिर दिखाने के लिए, तो बोल रहे जो आँख खराब हो गया। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हुई इस घोर लापरवाही की खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज ने दिखाई। हमने नीतीश सरकार से लेकर अस्पताल से कड़े सवाल पूछे। इसका असर ये हुआ कि जिला प्रशासन ने जांच के लिए टीम बना दी, सिविल सर्जन खुद जांच के लिए अस्पताल पहुंचे, ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया, अब यहां किसी तरह का इलाज भी नहीं होगा। आई हॉस्पिटल में गया था, उनको स्पष्ट रूप से लिखित पत्र दिया है कि आप मुझे 4 बजे तक जितना ऑपरेशन जो है 22 के बाद किए हैं, 22 और 22 के बाद जितना किए हैं, सारा का लिस्ट दीजिए, उसका मोबाइल नंबर दीजिए, ताकि हम ट्रैक कर सकें कि और कहीं
बाहर तो इलाज नहीं करा रहे हैं लोग या कहीं गांव में ही तो नहीं है, तो हम लोग ट्रैक करके उसके इलाज की प्रॉपर व्यवस्था करवा सकते हैं। हॉस्पिटल को फिलहाल बंद करवा दिया गया, बंद है, ओपीडी भी नहीं चल रहा, बंद है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के इलाज में प्रोटोकॉल की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। 22 नवंबर को अस्पताल ने बाहर के विजिटिंग डॉक्टर एनडी साहू को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए बुलाया था। डॉक्टर ने एक ही दिन में 65 लोगों के ऑपरेशन कर डाले, जबकि चिकित्सा नियमों के अनुसार एक डॉक्टर एक दिन में अधिकतम 12 सर्जरी कर सकता है। अब इसी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बिहार सरकार से जवाब मांगा है। देखिए, इसकी जानकारी मिली है और सिविल सर्जन के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है, टीम बनाई गई है, जिसके द्वारा जांच की जा रही है और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन रहा है, तो इस चीज़ की पूरी जांच कराई जा रही है और जहां भी कोई पाया जाएगा कि डिलीवरेट इस तरह की कार्रवाई हुई है और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है, तो संबंधित के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। तत्काल वहाँ पर नए किसी भी सर्जरी पर रोक लगा दी गई है। मुजफ्फरपुर में हुई इस घोर लापरवाही पर ना अस्पताल कुछ बोल रहा है, ना नीतीश सरकार, कोई मंत्री भी पीड़ितों का हालचाल लेने मुजफ्फरपुर पहुंचा है। किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। जिन लोगों के आंखों की रोशनी चले गए उनको कौन लौटाएगा, इसके लिए सीधे तौर पर ये सरकार जिम्मेवार है और इसको सरकार की जिम्मेवारी और जवाबदेही बनती है। जिनके साथ ये गलत ऑपरेशन हुआ है, जिनके आंखों की रोशनी गई है, उनका सरकार भरपाई करे, मुआवजा दे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल मोतियाबिंद के ऑपरेशन की वजह से जिन लोगों की आंखों में इन्फेक्शन की शिकायत है, उन सबको मुजफ्फरपुर के ही श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इनमें जिनकी आंखों में संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, उनकी आंखें निकाली जा रही हैं। अभी तक ऐसे लोगों की संख्या 15 से ज्यादा है, लेकिन ये तादाद और भी बढ़ सकती है, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले कई लोग बेहतर इलाज के लिए राजधानी पटना चले गए हैं। मुजफ्फरपुर प्रशासन ऐसे लोगों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। फटाफट खबरों के बाद खबर विस्तार से आपको बताते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट अब तक 25 देशों में पहुंच चुका है और बीते कुछ घंटों में अमेरिका और यूएई ने ओमिक्रॉन का वेरिएंट मिलने की पुष्टि की है। दुनिया के दूसरे देशों में भी कोरोना के केस नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। दक्षिण कोरिया में पहली बार केस 5000 के पार पहुंच गए हैं। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को हालांकि छूट जो दी गई थी अब वो वापस ले ली गई है। गंभीर लक्षणों के साथ मरीज सामने आ रहे हैं। तो देखिए, फैलता जा रहा है कोरोना, और अगर बात हम करें ओमिक्रॉन की यानी कि इसके नए वेरिएंट की, तो अमेरिका और यूएई में भी मिले कोरोना के नए केस हैं। अब तक 25 देशों में पहुंच चुका है ये। लोकसभा में चर्चा होनी है आज इसे लेकर, जहां आज स्वास्थ्य मंत्री बयान देंगे। पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन अब 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर अमेरिका पहुंच गया है। अमेरिका में ओमिक्रॉन के पहले मरीज की पुष्टि हो गई है। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में एक शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। ये मरीज 22 नवंबर को साउथ अफ्रीका से वापस लौटा था और करीब एक हफ्ते बाद 29 नवंबर को ओमिक्रॉन की चपेट में आ गया। अमेरिका में ओमिक्रॉन की पुष्टि के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने लोगों से बूस्टर डोज लेने की अपील की है। WHO के मुताबिक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक 25 देशों में फैल चुका है। अमेरिका और यूएई इसके नए शिकार है। भारत में भी ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ गई है। बुधवार को जोखिम वाले देशों से आए 11 उड़ानों में से 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजे गए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने का फैसला स्थगित कर दिया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। BMC ने एक आदेश जारी कर मुंबई एयरपोर्ट पर घरेलू यात्रियों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। ओमिक्रॉन पर आज देश की संसद में मंथन होने वाला है। लोकसभा में नियम 193 के तहत कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया संसद के जरिए देश को बताएंगे कि कोरोना की नई लहर से लड़ने के लिए सरकार की तैयारी कैसी है। ओमिक्रॉन के आतंक के बीच देश को कोरोना का पहला टीका देने वाली सीरम इंस्टीट्यूट भी एक्शन में आ गई है।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के बूस्टर डोज को बनाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि केरल, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने केंद्र से लोगों को बूस्टर डोज देने की मांग की है। हालांकि इस पर कोई भी फैसला एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि ओमिक्रॉन अब कितने देशों तक फैल चुका है, कितनी यात्रा कर चुका है और अब तक इसके कितने मरीज कुल मिलाकर सामने आ चुके हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं 25 देशों की यात्रा कर चुका है, 25 देशों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। नाइजीरिया में 3 केस अब तक सामने आए हैं, ब्रिटेन में 22 केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया में 5 केस अब तक सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। ऑस्ट्रेलिया में 7 केस ओमिक्रॉन के मिले हैं। ऑस्ट्रिया में 1 केस ओमिक्रॉन का मिला है। बेल्जियम में 1 केस ओमिक्रॉन के केस की पुष्टि हुई है। ब्राज़ील में भी 1 केस की पुष्टि हुई है। तो चेक रिपब्लिक में भी 1 केस आ चुका है। फ्रांस में भी ओमिक्रॉन का 1 केस मिला है। जर्मनी में 9 केस ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं, जबकि हांगकांग में 4 केस की पुष्टि हुई है। इटली में भी 9 केस सामने आए हैं ओमिक्रॉन से, ओमिक्रॉन के ही। इजराइल में 4 केस सामने आ चुके हैं। जापान में 2 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं, जबकि नीदरलैंड में 16 मरीज ओमिक्रॉन के मिले हैं। नॉर्वे में 2 मामले सामने आए हैं। स्पेन में भी 2 मामले सामने आए हैं। पुर्तगाल में 13 केस ओमिक्रॉन के मिले हैं। देखिए दुनिया के अलग अलग देश, स्वीडन में 3 केस की पुष्टि हुई है। कनाडा में 6 केस सामने आ चुके हैं, 4 केस ओमिक्रॉन के मिले हैं। अमेरिका में भी आज 1 केस की पुष्टि हो चुकी है। और साथ ही आज जो संसद में चर्चा होगी, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, वो भी इस पर बात अपनी रख सकते हैं, क्या कहते हैं ये देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, आप भी सूरज की लुका छुपी से परेशान होंगे तो वजह आप जान लीजिए। देश में इन दिनों मौसम करवट ले रहा है और पूर्वी समुद्री किनारे पर एक बार फिर चक्रवाती तूफान की आहट है, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है। कई जगह बारिश ने आफत मचाई हुई है। क्यों हो रहा है ये बदलाव, ये रिपोर्ट देखिए। आज हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में कड़के की बिजली, होगी बारिश। भारतीय मौसम विभाग ने जो मानचित्र जारी किया है, इस पूरे इलाके में बादल छाए हुए हैं, वहीं तटीय इलाकों में चक्रवात बनता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट के आसपास के इलाकों में डीप डिप्रेशन के चलते बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बन रहा है, जो 3 दिसंबर को मजबूत होकर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 4 दिसंबर की सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों से टकराएगा। इसका नाम चक्रवात जोवाड़ रखा गया है। इसी के चलते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया है। वहीं पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में मौसम में बदलाव पश्चिम विक्षोभ की वजह से हुआ है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे तूफान जोवाड़ के खतरे से निपटने के लिए कल ही एनसीएमसी की बैठक हुई। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका से एनडीआरएफ की 32 टीमें तैनात कर दी गई हैं। कल भी दिल्ली में सूरज लुका छुपी करता रहा और मुंबई में बेमौसम बरसात ने हैरान कर दिया। पश्चिमी विक्षोभ से गुजरात के कई हिस्सों में हो रही बेमौसम बरसात ने खड़ी फसल को नुकसान किया है। आज भी गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय भागों में तेज हवाओं के साथ ऊंची लहरें उठ सकती हैं। वहीं हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट किया गया है। अगले 4 से 5 दिन ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना है। यही हाल जम्मू कश्मीर का भी है। यहाँ ठिठुराने वाली सर्दी शुरू हो चुकी है और तापमान 0 से 2.5 डिग्री तक गिरना शुरू हो गया है। आमतौर पर ऐसी कड़कड़ाती ठंड दिसंबर के तीसरे हफ्ते के आसपास शुरू होती है। मौसम के बदले हुए रूप का असर है कि इस साल नवंबर में हुई बारिश ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नवंबर महीने में 645 बार भारी बारिश। सामान्य स्थिति क्या रहेगा इसका कैलकुलेशन होता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना का एवरेज फोरकास्ट टेम्परेचर लेंगे तो ये नॉर्मल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये एरिया में कभी कोल्ड वेव नहीं होगा। मौसम के बदले हुए रूप का असर जल्द ही आपके शहर पर भी देखने को मिल सकता है। जल्द ही मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ सकती है। और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दरअसल आज लोकसभा में कोरोना को लेकर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सुबह राज्यों के
स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं और सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। एयरपोर्ट के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो चर्चा है आज, लेकिन चर्चा से पहले 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह ये बैठक होनी है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, जो कि राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ और साथ ही एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ ये बैठक करने जा रहे हैं। फैले प्रदूषण की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता के स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। कल से ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का खतरा भी ज्यादा बढ़ गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता एला कासमी ने प्रदूषण के हालात का जायजा लिया। ठंड के दस्तक देते ही हवा की गति धीमी हुई है और प्रदूषण भी बढ़ा है। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब हो चला है। कई ऐसे इलाके हैं जहां AQI इस वक्त 400 के पार दिखा रहा है। मैं इस समय ITO पर मौजूद हूं और धुंध की चादर यहां पर आपको नजर आ रही होगी। ये धुंधनुमा स्मॉग है, जहरीली हो गई है हवा राजधानी दिल्ली में, जहां बीच में कुछ दिन राहत ज़रूर मिली थी, लेकिन आज फिर से हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद ख़राब है, दूषित है। और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 400 से पार AQI है। अगर बात कर ले दिल्ली के आनंद विहार की, तो यहाँ पर 448 है जो AQI है, हवा की गुणवत्ता का स्तर 448 है। अशोक विहार की अगर बात करें तो 432 है। वहीं अगर बवाना दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 428 है। चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ पर AQI 408 इस समय दिखा रहा है, और साथ ही साथ ऐसे ही मथुरा रोड पर भी 400 के पार है। यानी कि हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद ख़राब हो गया है, बेहद गंभीर श्रेणी में चली गई है हवा और जहरीली हो चली है। बीच में राहत ज़रूर मिली थी, दिल्ली सरकार ने कई सारे कदम भी उठाए थे, निर्माण के कार्य को रोका था, एक हफ्ते के लिए स्कूलों को भी बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हुआ उसके बाद एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ चुका है राजधानी दिल्ली में। ऐसे में जब हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है और ठंड बढ़ रही है, प्रदूषण के बढ़ने का भी खतरा बनता जा रहा है, और डर इसी बात का है कि राजधानी दिल्ली एक बार फिर से कहीं गैस चैम्बर में तब्दील ना हो जाए। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ इला काजमी, ABP न्यूज दिल्ली। और बात कर लेते हैं, देखिए आज पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में बड़ी चुनावी टक्कर होने वाली है। इस टक्कर पर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की निगाहें टिकी होंगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजनीति के दो धुरंधर, एक BJP के चुनावी चाणक्य, दूसरा कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद, आज इन दोनों की टक्कर होने वाली है पश्चिमी यूपी में। उत्तर प्रदेश का वही इलाका जिस पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर है और जहां से मिलने वाले वोट जीत हार का अंतर तय करेंगे। पश्चिमी यूपी का चुनाव प्रभार संभालने के बाद अमित शाह आज पहली बार सहारनपुर आ रहे हैं। गृह मंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अमित शाह सहारनपुर के गांव कुआरंका में दोपहर 1 बजे माँ शंकुभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद एक बड़ी जनसभा होगी जिसमें 1 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी है। इसके लिए 10 लाख स्क्वायर फीट में एक विशाल पंडाल भी बनाया गया है। सहारनपुर में अमित शाह के साथ CM योगी भी मौजूद रहेंगे। चूंकि जाटलैंड का ये इलाका किसान आंदोलन से प्रभावित है, इसलिए गृह मंत्री के दौरे को लेकर जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अमित शाह की रैली की सुरक्षा के लिए 9 ASP, 20 CO, 37 SHO, 32 इंस्पेक्टर, 330 सब इंस्पेक्टर, 26 LSI, 1440 कांस्टेबल और 7 कंपनी PSC की तैनाती की गई है। उनके जो आने का कार्यक्रम है उसके हिसाब से हेलीपैड की सुरक्षा व्यवस्था, मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था तथा उसके बाद मंच के में और यहाँ पे आने वाले जो आगंतुक हैं, जो बैठे हैं, आपने देखा उनके लिए व्यवस्था की गई है। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गेस्टेड ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। अमित शाह की तरह ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आज पश्चिमी यूपी आ रही हैं। प्रियंका दोपहर 12 बजे मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके में बुद्धि विहार कॉलोनी में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। रैली में छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुरादाबाद प्रियंका गांधी का ससुराल भी है, इसलिए बहू के स्वागत के लिए स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रियंका जी की रैलियों में जो भीड़ उमड़ के आई है उसने ये साबित किया है कि उत्तर प्रदेश प्रियंका जी की तरफ बहुत आशा भरी नजरों से देख रहा है। और अब मुरादाबाद, प्रियंका जी की ससुराल है मुरादाबाद में, तो बहू आ रही है तो लोगों में एक उत्साह भी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद में
कांग्रेस सन 1984 के बाद सिर्फ एक बार 2009 में जीत हासिल कर पाई है, जब पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन यहां से सांसद बने थे। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2002 के बाद से मुरादाबाद जनपद की किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस कोई जीत हासिल नहीं कर पाई है। अब देखना ये होगा कि प्रतिज्ञा रैली से प्रियंका कांग्रेस के सूखे को खत्म कर पाती है या नहीं। चलिए राजनीति के बाद अब कुछ अपराध की खबर आपको दिखा देते हैं। लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। निराला नगर में दहशत का माहौल है। विवेकानंद हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट के सामने पंकज शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया। बेखौफ बदमाशों ने उन्हें जान से मारने के लिए कई राउंड फायरिंग की है। घायल पंकज को बलरामपुर हॉस्पिटल रेफर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है लखनऊ के निराला नगर में, जहां पर फायरिंग की वजह से दहशत का माहौल है। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है निराला नगर इलाके में और इसकी वजह से वहां दहशत का माहौल है। पंकज शर्मा नाम के शख्स के ऊपर फायरिंग की गई। इलाज के लिए उसे बलरामपुर हॉस्पिटल ले जाया गया है। विवेकानंद हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट के सामने पंकज शर्मा पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया, कई राउंड गोलियां चलाई और उसके बाद पंकज शर्मा को बलरामपुर हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर रणवीर जुड़ गए हैं। रणवीर, अभी पंकज शर्मा की क्या स्थिति बताई जा रही है और पुलिस की क्या गिरफ्त में आया है अपराधी बदमाश? रणवीर, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है, बताएं। चलिए रणवीर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, अभी तक क्या पुलिस की गिरफ्त में बदमाश आया है, साथ ही पंकज शर्मा जो कि अस्पताल में भर्ती है उनकी क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इस मामले में जो आरोप लगा है उसमें नसीरुद्दीन, ऋषभ राय, मोहम्मद यूसुफ, फैसल आसिफ, ये सभी लोगों का नाम लिया गया है। और बताया जा रहा है कि एक जमीन के विवाद का मामला है जिसको लेकर इसके पहले भी जो पीड़ित है पंकज शर्मा उस पर फायरिंग हो चुकी है और कल रात 2 बजे के आसपास निराला नगर इलाके में विवेकानंद हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट के सामने फायरिंग हुई और जो बदमाश थे वहां पे घटनास्थल पे उन्होंने पीड़ित पर भी फायरिंग की और उसके बाद हवाई फायरिंग भी की और वहां से भाग निकले हैं। तो फिलहाल लखनऊ पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये घटना जाहिर तौर पे लखनऊ जैसे शहर में निराला नगर में एक हॉस्पिटल के सामने होती है तो सवाल उठते हैं। और फिलहाल पंकज शर्मा जो है उनको एडमिट कराया गया बलरामपुर हॉस्पिटल में, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि उनकी भी तबीयत अभी फिलहाल ठीक है। ठीक है रणवीर, नजर रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। चले आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राजनीति से जुड़ी अगली बड़ी खबर की, क्योंकि ममता बनर्जी के ताजा रुख से कांग्रेस बेचैन हो गई है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन के बेमतलब होने की बात कही। ममता अब तीसरा मोर्चा खड़ा करने के पक्ष में है। समर्थन तो मिल रहा है लेकिन सवाल इससे जुड़ा यह है कि क्या ये मोर्चा 2024 में मोदी की मुश्किल बनेगा या मोदी के लिए ये राह आसान करेगा। मुंबई से किया दिल्ली पर वार, शरद जी का मीट करने के लिए और उद्धव का साथ मीट करने के लिए मैंने महाराष्ट्र में आए थे। राउत को और आदित्य ठाकरे को मेरे को घर में भेज, मेरे को होटल में भेजा और लोगों ने बातचीत किया। यूपीए के दिन पूरे होने का ऐलान। आपको लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है, यूपीए क्या है? राहुल गांधी पर सीधा वार, एक अल्टरनेटिव स्ट्रांग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है लेकिन में रह के। मोदी से पहले कांग्रेस से तकरार, जाते जाते सब बेच देंगे। ममता ने मुंबई में जो बोला उसने दिल्ली तक असर किया है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कांग्रेसी नेता तिल मिलाए नजर आ रहे हैं। आज ममता बनर्जी जो कह रही है इसके साथ बीजेपी के कहने में बड़ा तालमेल रखते हैं, तो इसलिए मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा। स्टेट लेवल की जितनी भी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ विरोध में लड़ती है वो सभी ने कांग्रेस के ही नेतृत्व में यूपीओ में आकर इस बीजेपी जैसे व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक साथ आना चाहिए। ममता जी अच्छी लीडर हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी को हराई हैं,
लेकिन लगता है थोड़ा जल्दी में है। इस तरह का प्रतिक्रिया देना और ये करना मैं शायद उचित नहीं समझता हूँ। 2024 में ममता बनर्जी मोदी को टक्कर देने के लिए खुद को मजबूत चेहरे के तौर पर पेश कर रही हैं। इसके लिए उन्हें क्षेत्रीय दलों की सेना चाहिए और क्षेत्रीय दल उनके पीछे तभी आएंगे जब कांग्रेस किनारे होगी। इसलिए बीजेपी से पहला वार ममता बनर्जी कांग्रेस पर कर रही है। मुंबई दौरे पर उन्होंने पहले शिवसेना के आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की और फिर राजनीति के चाणक्य शरद पवार का आशीर्वाद लेने पहुंचे। यही उन्होंने यूपीए के अंत का ऐलान कर दिया। को लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए। अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है, यूपीए क्या है? यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का गठन 2004 में हुआ था, जब चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। गैर बीजेपी दलों ने गठजोड़ कर 218 सीट जुटा ली थी। उस वक्त सोनिया गांधी ने पीएम पद पर मनमोहन सिंह को बैठाकर अपना कद ऊंचा कर लिया था। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं और उनके नेतृत्व में यूपीए में कभी सवाल नहीं उठा। लेफ्ट फ्रंट, एसपी और बीएसपी के समर्थन के जरिए कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार चलाता रहा। 2009 में यूपीए गठबंधन को 262 सीट जिताकर और विशाल बना, लेकिन पहले 2014 और फिर 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कमजोर हो गई। पर अब भी यूपीए में देश के 15 दल शामिल हैं। लोकसभा में यूपीए की ताकत पर नजर डालें तो संसद में कांग्रेस 53, जबकि एनसीपी के 5 सांसद हैं, मुस्लिम लीग के 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरएसपी, वीसीके के 1-1 सांसद, यानी कुल 91 सांसद। इसके मुकाबले यूपीए के बाहर के बड़े क्षेत्रीय दलों पर नजर डालें तो तृणमूल कांग्रेस 22, वाईएसआर कांग्रेस 22, शिवसेना 19, बीजू जनता दल 12, बीएसपी 10, टीएसआर 9, समाजवादी पार्टी के 5 सांसद हैं, यानी कुल हुए 99 सांसद। इसमें से भी यूपीए खेमे से शरद पवार ने ममता की हां में हां मिला दी। देश का जनता का भरोसा रहेगा और बीजेपी को दूर करने के लिए मददगार होगा, उस रास्ते से हम जाएंगे। ममता जो करने की कोशिश कर रही हैं, वो हिंदुस्तान की सियासत में पहले भी हो चुका है, लेकिन समीकरण फंसता है मोर्चे के नेता को लेकर, और इस सवाल का जवाब ममता देने को तैयार नहीं है। देश का बीच जाए, इसी के लिए हम लोग को पहले देश को रक्षा करना है, तो आप सबको रक्षा कर सकते हैं। पहले देश को बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। 2024 अभी दूर है, लेकिन 2024 से पहले ही राजनीति में कई दांव पेच खेले जाने बाकी हैं। ममता शातिर खिलाड़ी है तो वहीं कांग्रेस के पास लंबा अनुभव है। इन सब के बीच बीजेपी इस राजनीतिक तमाशे का मजा जरूर लेगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।